केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एक बार फिर भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बन चुकी हैं। फोर्ब्स की ताजा सूची में उन्हें 37 स्थान दिया गया है। गौरतलब है कि फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। इससे पहले हाल ही में जारी की गई फॉर्च्यून इंडिया की सूची में भी वित्त मंत्री को पहला स्थान दिया गया था। बता दें कि फोर्ब्स की इस सूची में और भी भारतीय महिलाओं को स्थान दिया गया है। लगातार तीसरी बार सूची में शामिल, यानी फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी की गई दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37th स्थान मिला है। इसी के साथ वह भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बन चुकी हैं। 2020 की सूची में भी सीतारमण 41st पायदान पर थी। वहीं बता दें कि फोर्ब्स ने निर्मला सीतारमण को लगातार तीसरी बार दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया है। सूची के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार काफी आगे बढ़ते हुए अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन को पीछे छोड़ दिया है। इससे पूर्व जारी की गई सूचियों में जेनेट सीतारमण से आगे रही थी, लेकिन इस बार बाजी पलटी है और जेनेट पीछे छूट गई हैं। दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की इस ताजा सूची में अन्य भारतीयों को देखें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही HCL कॉरपोरेशन की रोशनी नाडर भी मौजूद हैं। रोशनी को इस सूची में 52nd स्थान मिला है। इसके अलावा बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ को 72nd और नायका की संस्थापक और CEO फाल्गुनी नायर को सूची में 88th स्थान दिया गया है। मैकेंजी स्टॉक दुनिया में सबसे ताकतवर सूची में पहले पायदान पर अमेज़न की मालिक और दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्टॉक है। मैकेंजी ने यह स्थान जर्मन चांसलर एजेनलर मार्केल को पीछे छोड़ते हुए हासिल किया है। फोर्ब्स की सूची में दूसरे नंबर पर भी भारतीय मूल की महिला का कब्जा है। जी हाँ, दूसरा स्थान अमेरिका की उपराष्ट्रपति भारतवंशी कमला हैरिस को दिया गया है। गौरतलब है कि अमेरिकी बिजनेस मैगनीज फॉर्म हर साल दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची जारी करती है। इस साल शक्तिशाली महिलाओं की 18वीं वार्षिक सूची में 40 महिलाएं ऐसी हैं जो किसी न किसी कंपनियों में CEO के पद पर पदस्थ हैं। सूची में 19 विश्व नेताओं की भी जगह दी गई है।